तो दोस्तों बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के बेटे जुनैद खान का यहां पर डेब्यू हो चुका है। सो दोस्तों उनकी महाराज मूवी रिलीज हो चुकी है, ओटीटी के ऊपर इसने दस्तक दी है। सो दोस्तों कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। जुनैद खान ने एकदम नए सब्जेक्ट के साथ और एकदम नई कहानी के साथ दस्तक दी है। सो यार महाराज जैसी फिल्म करने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत और डेयरिंग चाहिए और वो सारी दिखाई है जुनैद खान ने। सो दोस्तों महाराज की कहानी यहाँ पर करसन यानी कि अपने जुनैद खान और जेजे जयदीप अहलावत, करसन जो कि समाज में सुधार लाना चाहता है, वहीं जेजे जो एक संप्रदाय का प्रमुख होता है वह धर्म के नाम पर लोगों के अंधविश्वास के साथ खेलता है। जेजे लड़कियों का गलत फायदा उठाता है, फिर जयदीप अहलावत की वजह से जुनैद खान की लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद भाई साहब करसन यहाँ पर जेजे की पोल खोलने की ठान लेता है। ये इसकी स्टोरी है गाइज, पूरा जानने के लिए आपको ये मूवी वॉच करना पड़ेगा। डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने यहाँ पर एक दमदार कहानी को चुना है जिसमें धर्म और अंधविश्वास के नाम पर लड़कियों को ठगे जाने की कहानी है को अच्छे से दिखाने की कोशिश भी की गई है और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर यार फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है उसको थोड़ा टाइट नहीं रख पाए। अगर फिल्म के अंदर थोड़ी और बेहतरीन तरीके से एडिटिंग होती तो यार ये मूवी एक बेहतर हो सकती थी। ऐसा नहीं कि मूवी यार अच्छी नहीं है, मूवी के अंदर कई सारे ऐसे सीन्स है जिसको देखने के बाद आप चौंक जाओगे। फर्स्ट हाफ इस फिल्म का थोड़ा स्लो है, यही कारण है यशराज इसको ओटीटी के ऊपर लेके आए हैं जो कि एक राइट डिसीजन माना जाएगा। आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है और उनके बेटे जुनैद खान ने भी यहाँ पर अपनी एक्टिंग का परफेक्शन दिखाया है। जुनैद खान ने अपने एक्सप्रेशन के ऊपर एक अच्छा खासा काम किया है। डायलॉग डिलीवरी भाई साहब बेहद उम्दा रही है, अपने कैरेक्टर के अंदर यार गहराई से उतरे हैं और जो कैरेक्टर है उनका जो बयां करना था वो पूरे तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से प्ले किया है। वहीं जयदीप अहलावत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भाई एक्टिंग के मामले में उनके सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई सानी नहीं है। पूरी फिल्म में उन्होंने करसन की बैंड बजाई है, पूरी तरीके से उनको फिल्म के अंदर परेशान करके रखा है। कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर उनके कैरेक्टर से नफरत भी हो जाती है और यही तो एक कलाकार का अचीवमेंट होता है। फिल्म के अंदर शालिनी पांडे ने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से पकड़ा है, जिस तरह का उनका कैरेक्टर था उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। फिल्म के अंदर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है शर्वरी वाघ का, उनकी वजह से यार फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो पड़ती हुई दिखाई देती है। उन्होंने यार अपने जो कैरेक्टर था उनके अंदर वो पूरी तरीके से घुस नहीं पाई, उस कैरेक्टर को वो थोड़ा हल्के में ले लिया या जिस तरह का उनका एक इंटेंस कैरेक्टर था उसको यार वो अच्छे से प्ले नहीं कर पाई, जिस वजह से इस फिल्म का फ्लो कहीं ना कहीं गिरता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी इस फिल्म के अंदर वैसी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। बाकी फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन इस तरह की इंटेंस फिल्म के अंदर उनको अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने का पूरा मौका था लेकिन उन्होंने यहाँ पर थोड़ी चूक कर दी है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी बेहतरीन है जिसे देखा ही जाना चाहिए। दोस्तों इसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर रेटिंग की बात करें तो यार मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आप लोगों ने ये मूवी देखी है या नहीं देखी, देखी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिल्मते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। अभी के लिए इतना ही, फिल्मते हैं नेक्स्ट वीडियो में।